पैनल क्रमांक 17 में विकास कार्य को तेजी देते हुए आज रात हमका प्रदेश सचिव व सभी नगर सेवक ने राधेश्याम नगर और कैलाश नगर में विकास कार्य का उद्घाटन किया। बता दें कि गलीज बस्ती से राधेश्याम नगर और कैलाश नगर में 40 लाख रुपए का फंड लाया और आज उक्त वार्ड में विकास कार्य का उद्घाटन किया। और गंगोत्री ने बताया कि हमने वार्ड के वासियों से चुनाव से पहले वादा किया था और अपना वादा पूरा करते हुए हमने वार्ड में विकास कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उक्त इलाकों में बारिश में काफ़ी दिक्कत होती थी और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसता था, जो अब एक कार होने के बाद नहीं घुसेगा। पैनल की जैसे गंगोत्री जी ने बताया तो ये विकास कार्य की एक शुरुआत हुई है, आगे भी जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होते रहेंगे तो विकास कार्य होते रहेंगे। तो मैं इस एरिए के जो नगरवासी हैं उनको भी बधाई देती हूँ कि उनके काम एटलीस्ट शुरू हुआ, और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक और गट नेता भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जो अपनी जी जान लगा के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर का विकास शुरू हो। तो वो तो शुरुआत अभी 17 नंबर पैनल से हो गई। बस्ती से 40 लाख का फंड पास हुआ था, वो फंड के अंदर इधर के जो भरे नाले और अंदर के सीसी पे से जो नाले हैं नालियां हैं कुछ बनाने का जो उद्घाटन किया गया है। और काफ़ी टाइम से बस्ती वालों की मांग थी कि भाई यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ है, पानी घरों में घुस रहा है, तो वो हमने अभी काम पास करवा दिया है। तो आज से समय कल से चालू हो जाएगा, तो लोगों को रात मिल जाएगी।